हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो स्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में शू स्केट्स लेने के बाद आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, अमेरिका में दो टाउन, बड़ा डिफरेंट सा नेम, एक का नेम नेमलेस और दूसरे का एक्सीडेंट। फ्रेंड्स, अब अपने टॉपिक ऊपर आते हैं कि शू स्केट्स लेने के बाद आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। उसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए प्लीज। आपने शू स्केट्स लिया, शू स्केट्स लेने के बाद फर्स्ट स्टेप, स्केट्स पर इस तरह खड़े हो जाएं। अगर आपके रिंक में रेलिंग है तो रेलिंग के पास खड़े हों, क्योंकि अगर आप बैलेंस लूज करें तो आप रेलिंग की सपोर्ट लेके गिरने से बच सकें। कुछ देर ऐसा खड़ा रहने के बाद स्लाइटली स्टार्ट रोलिंग, धीरे धीरे रोलिंग स्टार्ट कीजिए। जैसे कि वत्सल आपको सामने कर रहा है, इससे धीरे धीरे आपके बच्चे का स्केट्स पे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा। जब हम बैलेंस करते हैं तो बॉडी बेंड नहीं करते हैं, जब हम फास्ट स्केटिंग करेंगे तब बॉडी बेंड करेंगे। बॉडी बेंड हम तब करेंगे जब हमारा स्केट्स पे कंट्रोल बन जाएगा। ऐसे आपको विदाउट बॉडी बेंडिंग धीरे धीरे चलना है। ऐसा आपको कम से कम 10 से 12 दिन करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। विदाउट बॉडी बेंडिंग आपको सिर्फ स्केट्स पे रोल करना है स्लोली, धीरे धीरे। 10-12 दिन बैलेंस करने के बाद सेकेंड स्टेप, आपको थोड़ी सी बॉडी बेंड करनी है और स्लो स्लो स्केटिंग करनी है। इसमें आपको फास्ट नहीं जाना है। अगर आप फास्ट जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, क्योंकि आपका अभी स्केट्स पे पूरा कंट्रोल नहीं बना है। स्लो स्केटिंग आपको फिर नेक्स्ट 15 से 20 दिन करनी है। लगभग 1 से 1.5 महीने, 30-45 डेज के बाद आप अच्छी डिसेंट सी बॉडी बेंड करके स्केटिंग कर पाएंगे। इसके बाद लगभग 1.5 से 2 महीने बाद आपकी स्केटिंग ऐसी हो जानी चाहिए, आपकी प्रॉपर बॉडी बैंड, अच्छी हैंड पोजीशन, नी बैंडिंग। ये हो गए हमारे फर्स्ट स्टेप्स ऑन शू स्केट्स, जैसा कि वत्सल आपके सामने कर रहा है। 10 से 15 दिन विदाउट बॉडी बैंडिंग बैलेंसिंग, नेक्स्ट 15-20 डेज स्लो स्केटिंग विद बॉडी बैंडिंग, देन आफ्टर समझें कि 45 डेज फास्ट स्केटिंग, तब आपकी बॉडी बैंड भी होगी और स्केट से कंट्रोल भी बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, शू स्केट्स लेने के बाद पहले स्केटर को स्केटिंग रिंग में खड़े होना है। अगर रेलिंग है तो रेलिंग के पास खड़े होना है, क्योंकि अगर स्केटर बैलेंस लूज करेगा और गिरेगा तो रेलिंग की सपोर्ट से बच जाएगा। गिरने का कारण क्या है? जो हमारे पीछे वाले व्हील्स हैं स्केट्स के अंदर, शू स्केट्स के अंदर, वो हमारे एंकल के नीचे होते हैं। और जिन स्केट्स में हम स्केटिंग सीखते हैं उसमें पीछे वाले व्हील हमारे हील के पीछे होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। शू स्केट्स नया लेने के बाद अगर स्केटर एकदम दौड़ेगा तो वो गिर जाएगा। उसको पहले थोड़ी देर स्केट्स पे खड़े होना है, उसकी बॉडी को अडेप्ट करना है, क्योंकि जो पीछे वाले व्हील है अब वो हील की जगह, जो पहले हील के पीछे थे अब वो एंकल के नीचे आ गए हैं। तो थोड़ी देर स्केटर खड़ा होगा, उसके बाद स्लो स्लो रोल करेगा विदाउट बॉडी बेंडिंग, वो बैलेंस कर रहा है। जब हम बैलेंस करते हैं तो विदाउट बॉडी बेंडिंग स्केटिंग करनी है। लगभग 8 से 10 दिन या 12 दिन आपको यह चीज रिपीट करनी है। अगर आपने जल्दबाजी की तो आपकी स्टेपिंग ही खराब हो जाएगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे बॉडी बेंड करके, हल्के से नी बेंड करके धीरे धीरे स्केटिंग करनी है, एकदम फास्ट नहीं करनी है। ये आपको लगभग 15 से 20 दिन और रिपीट करना है। टोटल हमारे लगभग 35-40 डेज हो गया। उसके बाद आपने फास्ट स्केटिंग करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, 10 से 12 दिन स्केट्स पे विदाउट बॉडी बेंडिंग स्लो स्लो रोलिंग, नेक्स्ट 15-20 डेज थोड़ी बॉडी बेंड, थोड़े नी बेंड, स्लो स्केटिंग। उसके बाद आफ्टर से 35-40 डेज आपको फास्ट स्केटिंग, नी बेंडिंग, बॉडी बेंडिंग, तब आप फास्ट स्केटिंग कर पाएंगे। फ्रेंड्स मुझे पूरी मेरा आपको समझ आ गया होगा कि शू स्केट्स लेने के बाद आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। डिस्क्रिप्शन मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपका क्वेश्चन है
आपको व्हाट्सएप पे मैं रिप्लाई करूंगा। फ्रेंड्स एक आपसे इंस्टेंस शेयर करता हूं, मैंने एक टायरों की भरी हुई गाड़ी देखी, उसका टायर खुद का टायर फट गया था, ड्राइवर ने गाड़ी खाली करने शुरू कर दी। मैंने पूछा भैया पूरी गाड़ी को खाली कर रहे हो, कहता है जी जो टायर फिट होना है ना वो नीचे पड़ा हुआ है, एक ही है वो टायर। फ्रेंड्स मेरे दिमाग में आया, हम इतने सारे फ्रेंड्स सोशल मीडिया फेसबुक इंस्टा स्नैपचैट, फ्रेंड तो वही है जो समय पे काम आए, एक सही सच्चा फ्रेंड सच्चा मित्र हमें चाहिए फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। विट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।